अस्सलामुअलैकुम, मेकअप किट आप देख सकते हैं मेरी। सो आगे चलते हैं, आगे दिखाती हूँ और मैं आपको। ये है पेंसिल, मुझसे गिर गई थी तो ये देखिए मैंने सेलो टेप लगाई हूँ। ये पेंसिल क्या मैं आपको बताती हूँ, ये पेंसिल ऐसी आई है कि नागपुर में इतवारी में शॉप है तो मुझे चाहिए था ब्राउन कलर में। अक्सर हीरोइनों को देखती थी कि उनके फेस में काजल लगा है और नीचे ब्राउन कलर या ब्राउन कलर का काजल हुआ, तो मैं हर शॉप में पूछती थी कि भैया आपके पास ब्राउन कलर का काजल है काजल है। सो मैंने कितने सालों तक पूछी तो नहीं मिला, और था भी जिसके पास तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। सो अपन नहीं ले सकते ज़्यादा क्योंकि अपना यूज़ नॉर्मली बहुत कम होता है ना, इसीलिए तो मैंने नहीं लिया था। फिर एक बार मैंने भैया को जताया, एक भैया को, तो उन्होंने लेके आया। ये देखिए ये बीच से खुल रहा है, तो ये जो दिख रहा है आपको ये ऐसा पफ जैसे बहुत सॉफ्ट है, तो ये आईज ब्राउन कलर का है ये, तो ये आईब्रोज में ऐसे लगाने का है, तो आईब्रोज आपकी इसमें इससे बिल्कुल नेचुरल लगेगी, इससे आईब्रोज जो है ना बिल्कुल नेचुरल लगेगी आपकी। तो इसमें 3-in-1 है, ये एक खुला यहाँ, एक खुलेगा और ये यहाँ भी एक है। मैं आपको बताती हूँ ये 1 pencil 3-in-1 में है। तो ये कैसे है, तो एक ये रहा, तो ये आईब्रो सेट करने का हो गया। और मैं आप दूसरा दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये दिया है मस्कारा, आप चाहें तो इससे लगा लें, या फिर ये आपके आईब्रोज को जब ब्राउन कलर आप कर लेंगे उसके बाद इसको सेट करने के लिए इसमें दिया है। और फिर ये दिया, ये मैं आपको बताई हूँ आईब्रोज सेट करने के लिए दिया है। और ये दिया है, ये देखिए ये ऐसा गोल गोल घुमाने से ये निकल रही है, आपको दिख रहा है। तो ये देखिए ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो निकली है पेंसिल, ये ब्राउन कलर की ब्लैक कलर की बिल्कुल नहीं है। जब आप काजल अप्लाई आईज में करते हैं तो उसके नीचे ये वाला अप्लाई करने से आपकी आईज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेगी और उभर के दिखती है। तो ये ब्राउन कलर का काजल वही यूज़ करता है, या फिर आपकी आईज में लाइनर में भी ऊपर आप इसको लाइनर के जस्ट बाद सेट कर लो, मतलब लाइनर अप्लाई कर लो इस तरीके से। और इसके इसको करने के बाद आप इससे ये जो ब्रश है इससे, ये देखिए काजल लगा है, मैं अक्सर लगा के काजल लगाती हूँ, तो ये इससे आप इसको थोड़ा सा ऐसे अप्लाई कर लो, थोड़ा सा ब्रश मार लो, तो माशाल्लाह इतनी शाइन देता है। तो ये जो दिख रहा है पूरा ब्राउन कलर की, इतना रिक्वेस्ट इतना बोलने पे आई, इतना खुशी हुई। उसके बाद मैंने मेकअप की और लगाई और अभी भी लगाती हूँ, और ये हमेशा मेरे पर्स में रहती है क्योंकि ये एकदम नेचुरल है। इसको लगाएंगे आप नेचुरल ओरिजिनल दिखेगा, लग भी जाएगा, खूबसूरत आईज आईब्रोज दिखे, बट आप किसी को नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ अपन ने लगाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप के लिए, बहुत ज़रूरी है। सो जो लोग जैसे मेकअप नहीं करते हैं, बहुत कम चाहते हैं, तो वो इसको ज़रूर लें, बहुत यूज़फुल है ये। क्योंकि इसीलिए क्योंकि जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं यूज़ करते, हम नहीं लगाते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो उनको ये चीज़ें क्या एकदम नेचुरल है। ये एक पेंसिल की तरह हो गई है, अब एक हैंड से बन नहीं रहा है क्योंकि एक से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और एक से दिखा रही हूँ, तो बन नहीं रहा है मुझे। ये देखिए, सो मैंने आपको दिखाई कि ये 3-in-1 है और ब्राउन कलर का जो बोलते हैं वो है, बहुत अच्छा है। सो मैंने आपको ये दिखा दी हूँ और अब मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए ये देखिए ये आई शैडो है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है, और ये सब वाटर प्रूफ है आई शेडो, बहुत यूज़फुल है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ ब्रश भी दिया हुआ है। ये देखिए ये ब्रश दिया हुआ है, ये ऑलरेडी मेरे पास ये वाला पूरा सेट है इसका, हर चीज़ का है। ये देखिए इसी के सेट की पेंसिल है, और ये ब्रश इसका दिया हुआ है, और ये देखिए ये आई शैडो है। ये जब अपन आई सेट करते हैं ना तो काफ़ी खूबसूरत साइन के लिए होता है और काफ़ी खूबसूरत आईज लगती हैं इससे, ये देख रहे हैं ये।
ये वाइट कलर है, और सारे कलर जो होते हैं आई शेडो में ब्रांडेड वाले जो कि अलग शाइनिंग और अच्छा दिखते हैं वो वाले, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, देख रहे हैं ये आई शेडो है। आप चीक में भी, नोज में भी कर सकते हैं। ये आई शेडो है, सो बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप मेकअप करते हैं, पार्टी में जाते हैं, हल्का पुल्का लगा लें तो यूज़फुल है ये। तो मेरे पास देख रहे हैं आप इतना है तो भी कम है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ मार्केट से, और मुझे तब भी कम लगता है मेकअप। ये रहा, तो अभी इसमें से मुझे शहडोल ले जाना है काफ़ी सारा, सो लगता है वहाँ भी जैसे बाजी के घर जाना है, घर में भी मतलब नॉर्मली हल्का पुल्का करके रहे। और ये पूरे लिप बाम्स हैं और लिपस्टिक हैं, ये लाइनर हैं, ये लिपस्टिक है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा चीज़ें हैं। ये मेरा मेकअप का हो गया, ये फाउंडेशन हो गया HD वाला, और ये सिमर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ और चीज़ें जो मैं लेके जा रही हूँ उसमें से। अब मैं इसमें से कुछ कुछ चीज़ें को निकालूंगी जो मुझे नहीं ले जाना है, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने इसलिए दिखाया है बताया क्योंकि मैंने इससे पहले बोला था कि मैं अपना मेकअप किट पूरा आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें। और इसमें से मोस्टली चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि यूज़ बहुत कम हो गया कोरोना की वजह से, तो ज़्यादा दिन चलने के लिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। लिपस्टिक वगैरह, ये सब लाइनर, सारी चीज़ें, और डेली यूज़ में मुझे ये लिप बाम और लाइनर और लिपस्टिक जो लगते हैं वो छोड़ देती हूँ। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जैसे फाउंडेशन, ये सब मेरा उसी के अंदर रहता है, फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज के अंदर, तो काफ़ी दिन चलते हैं, ख़राब भी नहीं होते। नहीं तो ये सब क्या है, लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये अच्छी कंपनी के होने के बाद, क्योंकि कोरोना काफ़ी टाइम का हो गया, कितने साल तक रहेंगे, और यूज़ नहीं हो रहा है, अपन ने लेके रखे हैं। अभी देखिए सभी चीज़ें रखी हुई हैं, आधी भी मेरी नहीं फिनिश हुई हैं। सो मैं अभी तो ज़्यादा कुछ ली नहीं हूँ क्योंकि मैं शॉप ज़रूर गई थी, बहुत बोले ये ले लीजिए वो ले लीजिए, क्योंकि इतना सब रखा था मैंने नहीं लिया, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ ले लेती। वहाँ से बैंगल्स बस खरीद के ले आए हैं, बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे कॉम्पैक्ट कम लग रहा है तो मैं वो जाके अभी ले लूँगी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कम हो गया है, तो सो मैं अभी जाके मार्केट से ले लूँगी कॉम्पैक्ट। और ये रहा, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये है प्लकर। सो ये देख रहे हैं आप, इतना अच्छा, जैसे प्लकर होते हैं ना, ये ज़्यादातर प्लकर ऐसे होते हैं, आप ऐसे पकड़ के खींचो, हेयर को तो नहीं होते, लेकिन ये इतना अच्छा है, मुझे इतना पसंद है। तो ये प्लकर जैसे ही आप हेयर को निकालना चाहें तो वो स्मूथली, जैसे आईब्रोज बनाना है तो बहुत स्मूथली अच्छे से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईजिली हो जाता है। और ये है वाइट टोन पाउडर जो बहुत यूज़फुल है, और ये क्या है, नॉर्मली इसको लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप कुछ भी ना लगाएं इसको लगा लें बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको क्रीम्स वगैरह बताती हूँ जो मैं स्किन में अप्लाई करती हूँ, स्किन में लगाती हूँ मेरी, सो बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि स्किन में कुछ नहीं लगाते और टाइम नहीं है क्यों करें, बट आप जब एज होगी आपकी तो आपको पता चलेगा आपकी स्किन डल होगी, स्किन में झुर्रियाँ, रिंकल्स, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, तब आपको फील होगा कि हमने उस उम्र में नहीं लगाए। तो मैं आप सभी लेडीज़ किसी क्वींस को, और आपके हस्बैंड परिवार में बच्चे बड़े हो गए तो प्लीज़ लोशन क्रीम उनको ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में अपन को रिजल्ट देती हैं जब अपनी एज हो जाती है। तो सो मैं सभी को बोलूँगी, और कोई भी क्रीम हो जो नाइट दिया है तो नाइट लगाएं, बट लोशन जो है बॉडी लोशन आप नाइट में बच्चों को खुद भी अप्लाई करें तो उसका रात में कि अपन सो जाते हैं मूवमेंट नहीं होते, तो लोशन वगैरह अच्छा रिजल्ट देते हैं, रात भर अपने प्रोसेस करते हैं वो, सुबह अपन को एकदम फ्रेशनेस और स्किन बहुत स्मूथ देते हैं। मैं अपने परिवार में बच्चों को, नज्जू को, हम सब लगा के नाइट में सोते हैं, और ठंड में तो बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ मैं इन सब चीज़ों का। सो मैं बता रही थी कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर ये सब चीज़ें इस्तेमाल करिए, सब बाद में रिजल्ट देती हैं। और जो लोग ये क्या है, फेस के लिए है, कोई गलत नहीं है, जैसे बोलते नहीं लगाते क्यों लगाएं क्यों करें, अरे 5 मिनट आप अपनी अपनी बॉडी के लिए नहीं निकाल सकते क्या कभी, तो आप उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। आप सोचते हैं टाइम नहीं है, आप ऐसे ही मोबाइल देख लेते हो या कुछ भी कर लोगे, आप अपने लिए प्लीज़, और लेडीज़ तो ज़रूर अपने लिए टाइम निकाल
लें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं की स्किन बहुत ज़्यादा डल, क्योंकि किचन में काम करना, बहुत सारी टेंशन वगैरह, बच्चों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती है, तो उनके फेस में उस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, तो ये सब लगाने से काफ़ी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो ये रहा सनस्क्रीन, जो कि धूप में इसको लगाने से, जो लोग बोलते हैं सनस्क्रीन कुछ नहीं होता, नहीं, आप एक बार अप्लाई करके देखें, 1 मंथ अप्लाई करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सनस्क्रीन धूप में जब सन अपनी बॉडी में आता है तो उसका इफेक्ट बॉडी में ना होके और इसका रिप्लाई इफेक्ट ऊपर चला जाता है, सन अपनी बॉडी से टकरा के और वापस चला जाता है, तो उसका जो इफेक्ट है स्किन नहीं पड़ता और अपनी स्किन सेम टू सेम रहती है। और यह रहा हेयर कंडीशनर, सो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक हफ्ते में 1 वीक में ज़रूर हेयर कंडीशनर अप्लाई करें, क्योंकि इसको करने से अपने जो भी हेयर में प्रॉब्लम है, स्कैल्प में प्रॉब्लम है, वो सारी निकल जाती हैं, डैंड्रफ प्रॉब्लम या जो भी हो, सब कुछ निकल जाता है, हेयर में खुशबू अलग होती है और स्मूथ हेयर हो जाते हैं। जब आप धोने के बाद उसको जूड़ा बांध के छोड़ेंगे तो एकदम सिल्की नीचे चले जाएंगे। हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, हमारा अक्सर रहता है, हर तरीके से अलग अलग ब्रांड का यूज़ करती हूँ मैं, देखती हूँ कि किस में ज़्यादा अच्छा होता है। सो मैं ये कंपनी में ज्वाइन थी एसेस्योर वेस्टीज कंपनी में, तो उसके ही प्रोडक्ट हैं अभी मेरे पास, इससे पहले कोई और थे मेरे पास, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप यही लें, आपको जो अच्छा लगता है जिस तरीके से आप हेयर कंडीशनर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी, जैसे आप शैम्पू हमेशा आपके लिए डेली नीड होता है, ज़रूरी होता है, वैसे ही हेयर कंडीशनर हर 1 वीक में होता है। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम, डैंड्रफ तो 1 ईयर में अगर है तो ये ख़त्म कर देगा अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, और इससे कोई बाल डैमेज नहीं होते, कोई हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे लोग बोलते हैं ये सब करने से ये होगा वो होगा, अरे आप एक बार अप्लाई तो करके देखिए, आपको देखिए कैसे रिजल्ट मिलेगा। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आगे का आप नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हैं, इसके बाद वाला व्लॉग कंटिन्यू कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।